दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड गैंग के खिलाफ देश भर में ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल सेल ने गोल्डी ब्राड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 9 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने पूरा ऑपरेशन दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में चलाया। पुलिस ने शूटर्स के पास से 7 पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी शूटर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। इन शूटर्स की गिरफ्तारी से दिल्ली और कुछ दूसरे राज्यों में होने वाली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को पुलिस ने समय रहते रोकने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गोल्डी ब्राड और लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के आपराधिक मॉड्यूल के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया था। स्पेशल सेल नई दिल्ली रेंज की एक टीम ने इंस्पेक्टर शिव कुमार, ACP ललित मोहन नेगी और ACP हरदेव भूषण की निगरानी में 7 राज्यों से 9 शार्प शूटर्स और 1 किशोर को दबोचा है। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब आरोपी दिल्ली और दूसरी जगहों पर वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार किए गए कुछ लोग पहले गोल्डी ब्राड और लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेशल सेल अलग अलग गैंगस्टरों के आपराधिक प्रयासों पर नजर रखती है। यह देखा गया है कि कई गैंगस्टर भारत में अपने कनेक्शन और गुर्गों का फायदा उठाकर विदेशी ठिकानों से जबरन वसूली, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ कुख्यात अपराधी जेल की दीवारों पर से परे अपने संपर्कों के नेटवर्क का उपयोग करके जेल में रहते हुए भी अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल सेल लगातार कार्रवाई कर रही है।